आप सभी माताएं बहनों को सबको मेरा नमस्कार है, राम राम है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो माताएं बहनों, देखो अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, यानी 21 तारीख की गणेश चतुर्थी है, शुक्रवार। तो माताएं बहनें इसका व्रत करें, सुहागन भागन 12 महीने की 12 चौथ करें, 12 ने तो 6 करें, 6 ने तो 4 करें, 4 ने तो 2, तो हर स्वागन भागन को करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी माता रानी सबकी मनवांछित पूरी करने वाली है और सबका सुहाग भाग बना रहता है, आयु बढ़ती है। अपने बच्चों के लिए करें, अपने पति की आयु बढ़ती है। करवा चौथ सबसे बड़ी रहती है और ये माँ की चौथ सबसे बड़ी है, यही सुहाग भाग देने वाली है। माताएं बहनें इसका उजीवन भी करती हैं। तो उजीवन में देखो, आपने करवा चौथ का कर लिया है तो ठीक है, और नहीं करा हो तो आप अब भी कर सकती हो। करवा चौथ का कर लिया तो उसका भी कर सकती हो। आप साल भर में 4 चौथ करती हो तो माताओं उद्यापन देखो चारों का ही होता है। और कई माताएं बहनें तो एक ही चौथ का करती है, एक चौथ का नहीं होता है, लेकिन दो करती हो तो दोनों चौथन का उजीवन होता है, चार करती हो तो चारों का होता है। और इसका कल्पना भी निकाला जाता है और इसका कंडवारा भी भरा जाता है। तो कंडवारे में तो आपको क्या करना है, देखो जैसे आपने किसी बोला हुआ हो, भाई मैं मेरा ये काम हो जाए तो मैं 1.25 किलो का आपके चौथ माता के 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ा दूंगी, तो इस प्रकार है जो वो चढ़ाना जरूरी होता है। बोला हुआ आपके बेटा की ब्याह होता है तो ब्यावली बरस का भी कंडवारा भरा जाता है, उसका भी आपको तिलकुटा बना के। और जब अपन कईयों के देखो कहानी सुनती हैं उस टाइम रखा जाता है, कईयों के जो देखते हैं उस टाइम रखा जाता है, उस टाइम रख के। और जैसे अपन और चीज़ की कल्पना देते हैं, छांटा देते हैं, इस तरीके से उसके देकर आपके आसपास में उसको बांट सकते हो। इस तरीके से इसका कंडवारा भरा जाता है, या तो घर में बेटा होता है जब भरा जाता है, ये बेटे की शादी होती है जब भरा जाता है, पोता पोती हो पोता होता है जब भी भरा जाता है, इस प्रकार के नहीं इसका कंडवारा भरा जाता है। और माताएं बहनाएं इसका उजीवन करती हैं, तो आप घर पे भी दे सकती हो भरोसा, क्योंकि अब माहौल भी ऐसा चल रहा है, तो इस माहौल में घर पे कोई आए या ना आए तो आप भरोसा घर पे दे सकती हो। इस प्रकार ये माता का उजीवन भी होता है, उजीवन भी जरूरी है। तो माताएं बहनों, राधे राधे आप सभी को, माताएं बहनों सबको।